हरिओम प्रभु जी। आपके जो मैसेजेस आते हैं ना, उसके वशीभूत लगता है चलो थोड़ी देर बैठेंगे, सत्संग नहीं करने का मन है तब भी चलकर बैठते हैं, कुछ देर बैठेंगे और बस आ जाते हैं। अभी तो बार बार मैसेजेस जीवन यात्रा को लेके आ रहे हैं, प्रभु जी यहाँ तारतम्य नहीं बनता है, वो एकाग्रता नहीं आती है कि अपने जीवन के उन पलों को याद करके आपको बताएं। आपसे निवेदन किया है, कहा है YouTube पर अपलोड करेंगे, दो दिन बाद आपको मिलने लगेंगे, दो दिन की मोहलत चाहिए, दो दिन बाद आपको मिलने लगेंगे मेरी जीवन यात्रा के अनुभव, और उसमें आपको आनंद भी आएगा ऐसा मुझे लगता है। अभी तो बस ऐसे लगता है कि चलो आए हैं तो आपको बुला लें। जो लोग घर में बैठे चाय पी रहे होंगे वो चाय पी लें हमारे साथ। प्रभु जी अब ध्यान योग की ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि ध्यान योग की बातें करते ही इतने सारे मैसेज आ जाते हैं, कोई भी क्रिया प्रक्रिया बताओ तो मैसेज आ जाते हैं, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? चल सकता है। मैसेज आए कि ध्यान नहीं करें तो क्या काम नहीं चल सकता? चल सकता है प्रभु जी। योग नहीं करें तो काम नहीं चल सकता? चल सकता है, दुनिया चला रही है। और परसों शायद मैंने आपसे कहा ना कि कुछ नहीं हो तो नाम, बस नाम संकीर्तन करो, केवल नाम, उठते बैठे खाते पीते जो भी कर रहे हैं सब ईश्वर को समर्पित, और केवल नाम करो, नाम लो, नाम स्मरण, श्वास श्वास में नाम हो जाए। उस पर भी मैसेज आए। श्वास तक नाम ले जाने का मतलब तो फिर वही ध्यान हो गया ना। कलयुग में तो
बस कैसे भी बस नाम ले लो बेड़ा पार है। लोगों ने मुझे दिया, लिख के भेजा, प्रभु जी आप कलयुग में हैं, कलयुग में तो कैसे भी बस प्रभु का नाम ले लो तो बेड़ा पार है। ठीक है प्रभु जी, आप भी अपना बेड़ा पार कर लो और मैं भी अपना बेड़ा पार कर लेता हूँ प्रभु का नाम लेके। प्रभु का नाम तो स्मरण मुझे हर समय होता ही है। क्या है प्रभु जी? सबके मूल में आनंद है, सुख शांति आनंद, यही तो चाहते हैं। नाम लेके ले लो, बिना नाम लिए ले लो, कर्म करते हुए ले लो, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालते हुए ले लो, लेकिन वो आनंद होना चाहिए। सुख और आनंद ना जुड़वा भाई है, जुड़वा। सुख और आनंद एक जैसी दिखती है, शक्ल भी एक जैसी दिखती है, और हमारा मूल स्वरूप तो आनंद है। हम आनंद की खोज में जाते हैं और सुख में फंस जाते हैं, एक ही जैसे है ना। और जब सुख तक पहुंचते हैं तो लगता है अरे ये तो आते ही चला गया, क्योंकि सुख के संग एक और उसका भाई है दुख, वो भी साथ में रहता है। सुख के साथ वो दुख तो साथ में रहता है। तो वो कहता है कि सुख की तलाश में भटके लेकिन आनंद तो नहीं आया, मिलते जुलते हैं ना। तो प्रभु जी आप सुख में आनंद में जो भी करें, जो करें, नाम लें, आनंद लें, लेकिन वो स्थायी भाव होना चाहिए। और हमसे तो जितने भी लोग जुड़े हैं सब परम पिता परमात्मा की लौ लगाए हुए हैं, आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हैं, इसलिए उनसे थोड़ी सी वैसी बातें कह देता हूँ। नहीं तो मुझे भी क्या लगता, मैं भी कह दूँ जो है ठीक है, बस नाम लो और बेड़ा पार है, नाम से ही भगवान मिल जाएंगे। कथा कहानियों में तो बहुत से कहते हैं। एक प्रसंग याद आ रहा है, बता देता हूं। कथा कहानी होती है ना, पुराण हो, गीता हो, उपनिषद की बातें हो, इन सब बातों के जो ज्ञानी हैं, जो बहुत ज्ञानी, जिन्होंने बहुत अध्ययन किया है, पढ़ा है, और वो जब प्रवचन करते हैं ना और लोग बैठे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? भजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, और कहते हैं देखो कलयुग में कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है, उदाहरण आपके सामने है। मीरा ने केवल नाम संकीर्तन से भगवान कृष्ण के दर्शन किए, उनको प्राप्त कर लिया था, भजन से ही प्रभु मिल गए थे, बस भजन करो प्रभु मिल जाएंगे। और ये तो कलयुग की बात है, त्रेता द्वापर की बात तो नहीं है, 500 550 साल पहले की बात है। तो जब मीरा को नाम संकीर्तन से कृष्ण भगवान के दर्शन हो सकते हैं, भगवान मिल सकते हैं, तो फिर आपको क्यों नहीं मिल सकते हैं? बस नाम दीजिए, कलयुग केवल नाम आधारा, और जपह नर उतरह पारा। और हम सुन के बड़े आनंद में विभोर हो जाते हैं, फिर तो मैं ठीक हूं, मुझे कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, बस नाम लेना है। देखो जब मीरा को दर्शन हुए तो आपको भी हो जाएंगे। तो बहुत लंबा समय भी नहीं गया, लेकिन प्रभु जी जो ये बता रहे हैं ना आपको, जो ये प्रवचन में कह रहे हैं ना, उनसे पूछो क्या आपने ईश्वर के आत्म साक्षात्कार किया है, क्या आपने खुद को जाना है। मैंने बहुत लोगों से इस तरह की जब बातें होती मैं पूछता हूँ, हिमालय में भी पूछता हूँ, मैं योगियों से भी पूछता हूँ। संतुष्टि के लिए ठीक है, ठीक है, भगवान में विश्वास है, भरोसा है, ठीक है, ठीक है, लेकिन क्या
जो आप कह रहे हैं क्या उसको आपने अपने अनुभव में उतारा है, क्या आपने उसको जिया है? अकेले में जब कहते हैं तो कहते हैं नहीं, सबके सामने कहते हैं तो कहते हैं हाँ ये संभव है। मैंने हिमालय में ही एक 80 वर्ष के महात्मा जी से पूछा, आप सबको ईश्वर के दर्शन का रास्ता बताते हैं, शंकराचार्य वाली परंपरा बताते हैं और कहते हैं कि ईश्वर के दर्शन गृहस्थ में रहकर सुलभ हैं, बहुत दुर्लभ नहीं है। आप बताओ सच में क्या आपने दर्शन किए हैं? उस दिन वाली बात नहीं बता रहा हूँ, दर्शन का मतलब क्या आपने आत्म साक्षात्कार किया है, या जो आप विधि बताते हैं क्या आपने उसको अपने जीवन में जिया है? कहते नहीं, मेरे गुरु ने मुझे रास्ता दिखाया, मैं उस पर चला, उसके बाद ये आश्रम हो गया, शिष्य हो गए, चेले हो गए, कद बढ़ गया, अब मैं उसी में, सच पूछो तो मैंने जीवन के 80 वर्ष निकाले, लेकिन अब हमारे पास कोई और रास्ता तो है ही नहीं, वापसी कर नहीं सकते, गद्दी छोड़ नहीं सकते, तब क्या करेंगे? जो मुझे गुरु ने ज्ञान दिया वही मैं ज्ञान लोगों को आगे दे रहा हूँ। हम प्रभु जी जाते हैं और सुन के इस तरह के उसको आनंद में वो आते हैं, लेकिन ये आनंद स्थायी होना चाहिए, मेरे कहने का केवल तात्पर्य है, कथा सुनकर आए और वहाँ जब आनंद हो कि मीरा को कृष्ण के दर्शन हो गए, केवल नाम भजन से मुझे भी हो जाएंगे, तो घर में आके 24 घंटे उसी में रहिए, नाम स्मरण ध्यान में रहिए, भले ही दर्शन हो ना हो, आनंद में तो रहेंगे, कुविचार तो नहीं आएंगे, विकार तो नहीं आएंगे। इसलिए जो व्यक्ति ग्रस्त में रह के जो भी काम करते हुए, रोटी बनाते हुए, बच्चों को खिलाते हुए, आजीविका का साधन में अपने कर्म करते हुए, उस परम पिता परमेश्वर को किसी भी नाम में किसी भी रूप में जो ध्यान करता है, बजता है, पल भर को भी अपने से अलग नहीं होने देता है, उसे सच में प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। उसे अपने में ही जब प्रभु दिखने लगते हैं तो उसे सब में प्रभु दिखने लगते हैं। लेकिन ऐसा करो ना, कथा में सुन के आनंद लेके आके घर आके थोड़ी देर बाद ही विकार शुरू, आवेश शुरू, अहंकार शुरू, फिर इसका कोई लाभ नहीं। लेकिन भक्तों की उस भीड़ में भले ही जो प्रवचन दे रहे हैं उन्होंने उसको ना जिया हो, उन्हें आत्म साक्षात्कार ना हुआ हो, लेकिन कोई ना कोई उसमें रिसर्चर भी बैठा होता है, कोई जिज्ञासु बैठा होता है, वो उस तत्व को, उस कहानी के, उस कथानक के उस तत्व को लेकर घर आता है, चिंतन करता है कि आज गुरु जी ने ये कहा। जब मीरा को दर्शन हो सकते हैं तो मुझे भी हो सकते हैं, उनको आत्म साक्षात्कार हुआ तो मुझे भी हो सकता है, तब क्या होगा? आपको मीरा के जैसा बनना होगा, तब हम वो जो जिज्ञासु होता है वो मीरा के चरित्र को देखता है, रिसर्च करता है कि मीरा के जीवन में ऐसी क्या विशेषता थी, ऐसा क्या तत्व था मीरा का जो उनको कृष्ण ने आके दर्शन दिए और उनके सामने ही जब वो इच्छा करती थी तो उनको सजीव, उनके सामने जीवंत हो जाते। प्रभु जी मीरा के चरित्र को अगर देखें, आप सब ने मीरा को पढ़ा होगा, कोर्स में पढ़ा होगा, सबको याद है, भजन सुने होंगे मीरा के, भजन गाते भी हैं लोग, हमारे वृंदावन में जाओ तो मीरा सबके भजन गाते हैं। लेकिन उस आनंद के स्थाई भाव के लिए समर्पण चाहिए, वो जुनून चाहिए, वो लगन चाहिए, मान अपमान से ऊपर उठने की आकांक्षा होनी चाहिए, हर तरह की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने का साहस होना चाहिए, तब वो परमपिता परमेश्वर
हम जान सकते हैं, खुद को जान सकते हैं, उस शाश्वत आनंद को जान सकते हैं, और उस आनंद को एक बार जान लिया फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब रैदास ने एक बार जान लिया कि मैं जो चमड़े को भिगो के और जूते बनाता हूँ, सिलता हूँ, उसमें ही गंगा है, जब उन्होंने उसमें गंगा के दर्शन कर लिए, उस आनंद के महासागर में डुबकी लगा ली, तो उनका वही कर्म उनको ईश्वर का कर्म बन गया, वही उनको ईश्वर की आत्म साक्षात्कार हो गया, अनुभूति हो गई। मीरा के बारे में मेरा बहुत ज्ञान तो नहीं है, लेकिन अगर मीरा के चरित्र को देखें आप, मीरा में अद्भुत कुछ था, असामान्य था, बचपन से था। उसकी माँ ने देखा मीरा के अंदर, उसके पिता ने देखा, उसके गुरु जो सबसे पहले मिलने आए, जिन्होंने मीरा को कृष्ण की मूर्ति दी, उन सब ने मीरा के उस तत्व को देख लिया था, उनके प्रारब्ध को देख लिया था। लेकिन मीरा के जीवन के जो दुख हैं, जो रिसर्चर होगा, जिज्ञासु होगा, वो उसके चरित्र को पढ़ते समय, जानते समय वो देखेगा कि मीरा ने कितना जीवन में दुख उठाया, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। विवाह तो आपको पता है, मीरा ने विवाह करते समय वचन ले लिया था अपने पति से, भोजराज जी से, कि देखो मैंने तो पहले ही कृष्ण का वरण कर लिया है, वही मेरे पति हैं, लेकिन माता पिता के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए अगर मैं तैयार हो जाऊं, तुम्हारे जीवन में आ जाऊं, तो तुम्हें मुझे वचन देना पड़ेगा कि मन के वश में ये शरीर रहे, शरीर के वश में मन ना हो जाए। उन्होंने दिया और बाद में भोजराज जी ने मीरा को अपना गुरु बना दिया, क्योंकि वो ईश्वर की तलाश में बहुत भटके। उन्होंने जानना चाहा कि ईश्वर है क्या, ईश्वर को पाने का साधन क्या है, कैसे ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, पाप पुण्य क्या है, मैं तो राज परिवार से हूं, मैं तो लोगों को रोज मारता हूं, काटता हूं, क्या ये पाप है? ये बहुत दुविधा उनके मन में रहती थी। और मीरा को देखते ही उन्हें उनके आभा मंडल में आबद्ध हो गए, उन्हें लगा इसके अंदर कुछ है जो मेरी प्यास बुझा सकता है, प्यास नहीं लेकिन मेरे मन की प्यास बुझ सकती है, और उन्होंने वचन दिया मीरा, और मीरा विवाह होके पति के घर आ गई। भोजराज जी ने सोचा अभी ठीक है, कुछ दिन साथ रहेगी, कुछ दिन होगा, मोह उत्पन्न हो जाएगा, आसक्ति उत्पन्न होगी, शरीर का आकर्षण होगा, युवा है अभी, उम्र ही क्या है, मीरा तो अपने उसी में मगन। भोजराज जी मीरा की हर एक्टिविटी को नजर रखते हैं। आज सत्संग का नहीं, कहानी सुना रहे हैं, कहानी सुन लो, आज बैठनी तो है, 10 मिनट में कहानी खत्म कर देंगे। 4 महीने बाद जब भोजराज जी ने मीरा से एक दिन कहा कि हमारे विवाह को 4 महीने हो गए, इसके आगे की वो कुछ कहते, ये मीरा के आत्मचरित्र में है, मीरा ने रोक दिया। मीरा ने कहा कि तुमने मुझे वचन दिया था कि शरीर, मन और आत्मा अलग अलग, हमारे वश में मन होना चाहिए, हम मन के वश में ना हो, तभी हम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं। क्योंकि भोजराज हर दिन मीरा से पूछते थे कि क्या सच में इस मूर्ति में भगवान है, क्या इसमें ईश्वर है, और बाद में उन्होंने मीरा को अपना गुरु बना लिया। मीरा भक्ति ही नहीं थी, मीरा का भक्ति योग था, ज्ञान योग था, और योग था मीरा के जीवन में। आत्मचिंतन, जो मीरा का आत्मचरित्र है, उसे मैंने देखा है कि बिहारी दास जी जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा मुझे तो योग सीखना है,
और उन्होंने उनको योग की दीक्षा दी। और मीरा ने स्वीकार किया है कि एक दिन मैं बैठी थी मेरे गुरु से, मैं चाहती थी कि मुझे एक दीक्षा दें कैसे कुंडलनी का जागरण होता है। उन्होंने मुझे काफी समय तक इंतजार कराया, उन्होंने मेरा आचरण देखा, मेरा जीवन देखा, मेरा भक्ति देखी, मेरा ज्ञान देखा, तब उन्होंने कहा कि तुम योग मार्ग पे जा सकते हो। तब उन्होंने मुझे क्रिया योग के गुण सिखाए और एक दिन मीरा बैठी हुई थी पद्मासन में और बैठे बैठे उनके शरीर में ऐसा लगा कि कुछ हो रहा है, कुछ अग्नि प्रवाहित हो रही है शरीर के अंदर और वो ऊर्ध्व गति की ओर जा रही है और मीरा अपनी सुध बुध खो गई। और उस ऊर्जा ने उनके कुंडलनी का उनके मूलाधार से द्वार बना के और वो आज्ञा चक्र तक आ गई। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश उन्होंने महसूस किया और उसके बाद मीरा बेसुध हो गई। दो दिन कमरे से बाहर नहीं निकली, सब चिंतित हो गए। बुलाया गुरु को, गुरु ने देखा, गुरु ने कहा जो घटना था वो घट गया, अब ये मीरा योगिनी हो गई। भक्ति ज्ञान योग ये सब मीरा के अंदर समाहित था, तब उसे परमपिता परमात्मा ने दर्शन दिए थे। इतना आसान थोड़ी होता है। भोजराज जी ने बहुत सारे प्रश्न करते थे, मीरा उनको बताती थी। उन्होंने कहा मैं भी प्राप्त करना, मैं भी ईश्वर को जानना चाहता हूँ, मैं भी उस रास्ते पे जाना चाहता हूँ। तो मीरा ने कहा जाओ, जा सकते हो। बोले तुम्हारा और मेरा तो रास्ता अलग है, मैं तो मार काट करता हूँ, लोगों को मारता हूँ, आखेट करता हूँ, जानवरों को मारता हूँ। तो उन्होंने कहा है ये तुम्हारा कर्म है, ईश्वर ने तुम्हें इस गद्दी पर बिठाकर तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाया है, निमित्त बनाया है तुम्हें, तो तुम करो, ये पाप की श्रेणी में है ही नहीं। तलवार लकड़ी की है, मारने वाले को भी पता होता है तलवार लकड़ी की है। भोजराज जी ने कहा वो तो नाटक है, मैं तो जब निकलता हूँ रण क्षेत्र में आखेट के लिए तो मैं तो सींग की उस तलवार को लेके चलता हूँ और लोगों के सिर धड़ से अलग करता चला जाता हूँ और सचमुच करता जाता हूँ, सामने वाला भी जानता है कि ये तलवार मेरे सिर से शरीर को अलग कर देगी। मीरा ने कहा कि जब तुम अपने आप को पात्र मान लो, ये रंगमंच है और मैं तो एक पात्र हूँ और मुझे ये पार्ट मिला हुआ है, तो ना मैं किसी को मार रहा हूं और ना कोई मर रहा है, प्रभु ने मुझे निमित्त बनाया है कि इन लोगों के जो देह की पूरी हो गई स्थिति, वस्त्र इनके बदलने हैं और तुम्हें निमित्त बनाया है और देह से देह का नाश होता है और तुम्हारी तलवार से वो मरता है, उसे नया जीवन मिलता है, मरता कहाँ है, तुम्हें निमित्त बनाया है, उसके वस्त्र बदले उसे नया शरीर मिलेगा और तुम उसके निमित्त बने। मन में ये सोच लो, तुम्हारे अंदर भाव ही नहीं आएगा। जो भी हम कर्म करते हैं उसको देख लें कि क्या मुझे उसका निमित्त बनाया है। हिंसा पाप है हम सब जानते हैं, लेकिन जब हम अपने स्वार्थ के लिए हिंसा करते हैं, जब हम अपने स्वार्थ के लिए किसी का दुख देते हैं, किसी को मारते हैं, वो पाप श्रेणी में आता है। लेकिन अगर मैं निमित्त बन के कि मेरा धर्म है, तब अगर मैं ये कार्य करता हूँ तो वो पुण्य की श्रेणी में आता है। देखो ना, सैनिक को सीमा पे उसे सिखाया जाता है जो भी आ जाए उसको मारो मारो मारो। जब युद्ध होता है तो सैनिक जब बंदूक लेके खड़ा होता है तो वो कितने लोगों की जान ले लेता है, ये जानते हुए भी कि उसने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसने भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन उसका धर्म है, उसे ड्यूटी मिली है, उसे वो पार्ट अदा कर रहा है, वो पात्र बना हुआ है मातृभूमि के लिए, उसके लिए तो उसको सिखाया ही जाता है मारो मारो मारो। प्रभु जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि
कथा कहानियों में कथानकों का जो तत्व है ना, वो अगर समझ लो तो बस गति है। भोजराज जी ने ये भी मीरा से एक दिन कहा, क्या ये भागवत पुराण की कथाएं सत्य हैं? उन्होंने कहा तुम्हें संशय क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कृष्ण के 16,000 रानियां थी, हर रानी के 10-10 पुत्र थे, एक एक पुत्री थी, रावण के 10 सिर थे, कौरव 100 भाई थे। जब कृष्ण यमुना में थे तो वो कई कई 100 फनों वाला नाग उसको लेके ऊपर आया था। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, तीन तरह के लोग हैं। जो ज्ञानी लोग हैं ना, वो इन कथानकों में से उस तत्व को निकाल लेते हैं, जो मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि तत्व को जानो, राम के तत्व को जानो, कृष्ण के तत्व को जानो। ये मीरा ने कहा भोजराज जी से, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो उस तत्व को उस कथानक में से निकाल लेते हैं और अपनी बुद्धि से, विवेक से, सामर्थ्य से उसे आत्मसात कर लेते हैं और उसे अपने हृदय में विराजित कर लेते हैं, उस आनंद में जीते हैं, अपने आचरण में उन्हें ढाल लेते हैं। दूसरे लोग जिनको कोई अज्ञानी, अज्ञान, अशिक्षित, जिसे कुछ पता ही नहीं है, वो क्या करता है, श्रद्धा और विश्वास से सब चीजों को मान लेता है। रावण के 10 सिर थे होंगे, कृष्ण के 16,000 रानियां होंगी होंगी, जो भी चीजें हैं हैं, उसे ज्ञान नहीं है ना, वो अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा है, उसको तो जो गुरु जी ने कह दिया उसने उसको मान लिया, कहा यही भगवान है, यही भगवान की लीला है, और श्रद्धा और विश्वास के साथ भव सागर से पार हो गया। ज्ञानी अपने ज्ञान से, बुद्धि और विवेक से पार हो गया, उसने उस तत्व को समझ लिया। और एक तीसरे तरह के लोग होते हैं जो आजकल हम सब हैं, बुद्धि लगाते हैं, तर्क लगाते हैं, कैसे हो सकता है, ये सब कल्पित हैं, कहानियां हैं, ये हैं, और क्या इस सबसे क्या मिलता है, दुख मिलता है, दुखी रहते हैं, सत्य को समझ नहीं पाते, बुद्धि लगाते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, रिजल्ट तो उसका कुछ निकलना नहीं है, क्योंकि उनको उस विवेक जागृत है ही नहीं, वो उसको समझना ही नहीं चाहते हैं, एक तर्क के बाद दूसरा तर्क, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया ये सब किसने बनाया, ईश्वर ने, ईश्वर को किसने बनाया, अंत तो कोई है ही नहीं, तब क्या होता, दुखी हो जाते हैं, पूरा जीवन दुख में ही बिताते हैं, या तो छोड़ दो कि मुझे कुछ नहीं मानना, मुझे तो कर्म करना है, मुझे तो बस जो मुझे जन्म दिया है, मुझे जो कर्म दिया है, जिम्मेदारी दी है, मैं कर रहा हूं बस, ईश्वर को मानता ही नहीं, वो भी ठीक है, वो भी नहीं करेंगे, वो तर्क करेंगे, कोई कहेगा कि मैं ईश्वर को मानता हूं तो ठीक है, तुम ईश्वर को मानते हो, मैं नहीं मानता हूं, ठीक है, तब वो क्या करेंगे, तुम कहोगे मैं ईश्वर को मानता हूं तो कहते थे ईश्वर तो है ही नहीं, फिर वही शास्त्रार्थ हो जाएगा। तीन तरह के लोग होते हैं। तो मीरा ने कहा आप जैसे हो वैसे इसको वैसे ही भाव से ले लो, भव सागर से पार हो जाओ, निकल जाओ। तो भोजराज जी ने आखिर में कहा कि अच्छा ये बताओ, ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, सगुण है, साकार है, ये सब क्या है, तुम्हारे पास तो मूर्ति है ही, तो ये क्या साकार है, सगुण है, क्या है, अगर है तो मैं इसको जानूं तो। उन्होंने कहा यह भी आपके मन का भाव है कि आप जैसा चाहे समझ लें। ये निराकार है, निराकार का मतलब है कण कण में व्याप्त है, सृष्टि के कण कण में ये व्याप्त है, वो सत्ता ईश्वर की जो हम देख रहे हैं चारों तरफ से, देख के उसे अनुभव करो, उस निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार कि अब उसमें कोई
निराकार है वो तो आज है, कल बदल रहा है, पेड़ है तो सूख रहा है, फिर बीज है, फिर वृक्ष बन रहा है, इसमें सब परिवर्तन हो रहा है। निर्गुण निराकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एक जैसा रहता है। आकाश प्रकाश वो केवल अनुभव किया जा सकता है, कोई ना। प्रभु जी शुरू, बारिश, कथा भी पूरी नहीं हुई, कहानी भी पूरी नहीं हुई, कहने का तात्पर्य यह है, इसको शॉर्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, कि मीरा को भोजराज जी ने उन्हें अपना गुरु बनाया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कितने कष्ट आए मीरा को, जो उनका भोजराज जी का जो भाई छोटा वाला, कई रानियां थी ना उनके, राणा सांगा जी के, तो एक जो हाड़ी रानी थी उनका बेटा बाद में गद्दी पर बैठा, बहुत उसने सबको परेशान किया। हाड़ी रानी तो आप लोग जानते होंगे, कर्मावती नाम था उनका। उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी, राणा सांगा उनको बहुत प्रेम करते थे, उनकी बात को टालते नहीं थे, इसलिए भोजराज जी की मृत्यु के बाद उनके भाई रतन सिंह जी बैठे गद्दी पर, उन्होंने भी छोड़ दिया, फिर अंत में विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे। उन्होंने कहा, भाभी साहब तुम्हारी जरूरत नहीं है, सब बंद करो ड्रामा, ये नाटक आटक बहुत हो गया, हमारे यहाँ परंपरा नहीं है कि तुम जाते हो मंदिर में, जाके नाचते हो गाते हो और साथ में महिलाओं को ले जाते हैं, पुरुष लोग देखते हैं, सब कहते हैं देखो ये रानी राजघराने की ऐसे कर रही है, इसलिए ये सब नहीं चलेगा। अब यहाँ जितने कष्ट देने थे उतने दिए उन्होंने मीरा को, लेकिन मीरा गई नहीं। उनके घर वालों ने भी कहा कि तुम आ जाओ घर, लौट कर आ जाओ, तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है। उन्होंने कहा, कोई अपनी बेटी को विवाह करके ससुराल भेजता है, अगर वहां दुख सुख है, उसका भाग्य प्रारब्ध है, तो क्या सब बुला लेते हैं कि नहीं, छोड़ के आ जाओ घर वापस, मैं यहां हूं। और उसकी जो विक्रमादित्य की बहन थी ना, उदय वीर ननद मीरा की, वो भी बहुत परेशान करती थी, और वो सांगा राजा हो गए तो सब उसके तहत मीरा को कष्ट पहुंचाते थे। अंत में कथा सुन लीजिए, लास्ट, जब देखा किसी भी तरह से मीरा जा नहीं रही है, उनके कृष्ण के उस विग्रह को भी उन्होंने हटा लिया, देखिए बहुत तेज आवाज चल गई, हुआ था कि बातें करेंगे, तो बातें करते भी ज्यादा समय हो गया, इतनी देर बात भी नहीं करना थी। अब वो मीरा की बात हो गई तो थोड़ा थोड़ा सा जो है बताया, कुल मिला के आस्था और विश्वास की बात है। प्रभु के रास्ते पे जो चलते हैं, सबसे पहले श्रद्धा आस्था और विश्वास की बात है। जैसे मैंने आपको बताया, मीरा ने उनको बताया कि कथानकों में कौन जो जैसा होता है वो उसको वैसा ही ले लेता है। तो जब उन्होंने देखा कि अब मीरा किसी तरह से नियंत्रित नहीं हो रही है,
उन्होंने सोचा कि अब इनका जीवन लीला ही समाप्त कर देनी चाहिए, और उसने मीरा बीमार हो गई, तो वहाँ से राजमहल से राजा ने एक पेय भेजा औषधि का, और उस बहन से मीरा की ननद से भिजवाया कि ये पेय ले जाओ और मीरा को कहना तुम्हारा जो ज्वर है वो इससे ठीक हो जाए। उसने कहा कि आप ये कैसे भाव आपके कब से बदल गए, भाभी सा अगर बीमार है तो बीमार है, आपको कब से दया आने लगी। उन्होंने कहा इसमें विष है, मैं चाहता हूं तुम लेके जाओ, और ये विष का प्याला जब वो पिएगी हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसे करते हैं लोग, हम अपने आपस में भी करते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे देश पूर्ण नहीं हो रहे हैं, दुश्मनी नहीं दूर हो रही है, तो हम ऐसे भी कर्म कर देते हैं जो अपराध बन जाते हैं बाद। तो प्रभु जी अब वो डर गई मीरा की ननद, उसने कहा ये तो प्राण लेने की बात है, मैं तो इसमें शामिल नहीं हूं। तो फिर उन्होंने क्या किया, किसी दासी को भेजा, मीरा की दासी को बुला के, सहायक उसको बुला के, सहायिका को, कि ये वैद्य जी ने बनाया है इसको जाकर दो, मीरा पिएगी ठीक हो जाएगी। वो लाई, तो मीरा क्या करती थी, जो भी पान करती थी पहले ईश्वर को प्रसाद चढ़ाती थी, तो उन्होंने कृष्ण कान्हा उनके रखे हुए थे, उन्होंने वो कटोरा जिसमें पेय था, जिसमें विष मिला हुआ था, वो उन्होंने कृष्ण के सामने रख दिया। यहां उदयवीर को बोध हुआ, अगर आप कोई पाप कर्म में लिप्त हैं तो अगर आपको बोध हो जाए कि मैं ये पाप कर्म कर रहा हूं, प्रायश्चित कर लो। भगवान प्रायश्चित करने का मौका देते हैं, ये भी आत्मचरित्र में मीरा के है। भोजराज ने पूछा कि, नहीं भोजराज ने नहीं, उसकी सहायिका ने उसके बाद में, जब मीरा बहुत दुखी थी तो उसने पूछा कि आपने कोई जीवन में गलत काम नहीं किया, आप सबके लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा करते, फिर भी आपको इतना दुख, और वो देखो कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं, फिर भी देखो कितने आनंद में हैं। मीरा ने कहा भगवान सुधरने का मौका देते हैं, प्रायश्चित करने का। जब जीव अपने कर्म करके जाता है ना, तो जब उसका कार्मिक अकाउंट देखा जाता है, जीवन में दुखी दुख बहुत सारा उठाया है, लेकिन ईश्वर में आस्था है, भगवान का भक्त है, उसने श्रद्धा और विश्वास रख के अपने जीवन में कर्म किए हैं, दुख दुख उठाए हैं, लेकिन शुभ कर्म भी किए हैं, अब उसको शुभ कर्म का फल मिलना चाहिए। भगवान कहते हैं नहीं, अभी इसकी झोली में ये जो पाप कर्म है ना, इसको आगे आगे कर देते हैं, और पुण्य कर्म को पीछे कर देते हैं, फिर इसको दोबारा भेज देते हैं, कहते हैं कि अभी जाओ ये तुम्हारे पाप कर्म से जो जो इतना कोटा है ना, इसको जाके पूरा करो, प्रायश्चित करो, उसके बाद में तुम्हें अपनी शरण में लूंगा, शुद्ध होके आओ। इसलिए वो दुख होता है, लेकिन उसके संग भक्ति का भाव भी होता है, श्रद्धा होती है, विश्वास होती है, और जो ये कर्म कर रहे हैं, तो मीरा ने कहा कि ये जब इनकी जब जीवात्मा जाती है ना, कार्मिक अकाउंट होता है, तो देखते हैं कि इनके अच्छे कर्म तो बहुत कम है, पाप कर्म बहुत ज्यादा है, पर उनको अच्छे कर्मों को आगे लगा के भेज देते हैं कि तुम्हें मौका दे रहे हैं कि तुमने ये जो पाप कर्म इकट्ठा कर लिया है ना, काटना तो तुमको ही है, लेकिन अच्छे कर्म को आगे कर दिया सब, अच्छा अच्छा बोध हो जाए, विवेक जागृत हो जाए, सत्संग मिल जाए, संतों की गति मिल जाए, और आप उन अच्छे से जो आपके कर्म है उसमें रहते रहते बोध हो जाए, प्रायश्चित कर लो, पूरे जीवन के पाप कर्म क्षय हो जाएंगे उस परम पिता परमात्मा में जो हमारे अंदर बैठा है। ये है नियम, मीरा ने बताया। कहते हैं ना, मैं तो बहुत अच्छा अच्छा कर रहा हूँ, ईश्वर का ध्यान भी करता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन मेरे तो दुखी दुख है। प्रभु कहते हैं ये कर दिए हैं कि इसे भोग लो, लेकिन जो अच्छा कर रहे हो ना, वो तुम्हारे यहाँ जेब में जमा हो रहे हैं ना, जब सब हो जाएगा तब प्रभु तुम्हें शरणागत
दे लेंगे, तब तुम कर्मों को भोगोगे नहीं, तब तुम दशा और दिशा दिखाने के लिए आओगे। और उनके लिए मौका दे रहे हैं कि देखो तुमने पाप कर्म बहुत कर रहे हो, तुम किए हैं तुमने पूर्व जन्म में, लेकिन तुम्हारे पुण्य कर्मों को आगे रख के भेज रहे हैं, जिससे तुम्हें, क्योंकि भोगना तो तुम्हें ही है, शायद तुम्हें संत की मिल जाए, संगत मिल जाए, अच्छे लोगों का मिल जाए, वृंदावन धाम मिल जाए, कोई तीर्थ मिल जाए, और तुम अपने उन सबको यहीं खत्म कर लो। और जिस दिन तुम प्रायश्चित करने की स्थिति में आ जाओगे, तो तुम्हारे जो पाप कर्म है वो भी क्षय हो जाए। अद्भुत है प्रभु का वो। तो कहते हैं कि जीवन में भगवान को अपने अंदर बिठा लो, अहंकार से मुक्त हो जाओ, अपने को कर्ता मत मानो। जब हम कर्ता मान लेते हैं वही दुख का कारण है, सेवक मान लो। एक मजदूर है, क्या करता है सेवक, क्या करता है स्वामी, जो कहता है उसको करता है। दो तरह से कर सकता है, एक तो वो अहंकार, तो मुझे 8 घंटे की ड्यूटी करनी है, ये करनी है, ये किया, मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने आज ये बिल्डिंग में चढ़ाई, मैंने इतनी ईंटें चढ़ाई, मैंने ये किया, मैंने ये किया, कर्ता भाव आ गया। दूसरा मजदूर सोचता है कि मैं तो स्वामी को, उसने मुझे जो कहा है उसको जितने अच्छे अच्छे से हो मैं कर सकूं, 8 घंटे की नहीं, मुझ पर जितना अच्छा अच्छा हो मैं वो कर सकूं, स्वामी जिससे खुश हो मेरे कार्य से, प्रसन्न हो, मैं वो करूं। मजदूरी तो दोनों को उतनी मिलनी है, दोनों को 500 रुपये रोज मिलने हैं। एक क्या कर रहा है, निपटाए जल्दी जल्दी से, मालिक है तो काम करना, मालिक नहीं है तो ज्यादा अच्छे से काम नहीं करना, 8 घंटे पूरे करना, मजदूरी लेना, चले जाना। दूसरा क्या करेगा, वो अपने को सेवक का भाव भी सेवक का समझ रहा है कि मेरे स्वामी प्रसन्न रहे, उन्होंने मुझे आज्ञा दी आज ये काम करने की, मैं ये करूं, इसमें अपने 100% दूं और आनंद में रहूं। बाबा जी कहते हैं कि आप सेवक बन जाओ और स्वामी को अपने अंदर बैठा लो, जो भी कर्म करो पूछो उससे क्या तुम्हारी मर्जी है, क्या करना है, वो जो कहे, जो अंदर से अनुभूति हो, जो अंतर्मन कहे वो करो, उसकी आज्ञा का पालन करो, सेवक बनकर करो, कर्ता भाव नहीं आए तो दुख नहीं होगा। पहला वाला मजदूर थक जाएगा घर जाके, जल्दी थक जाएगा, काम चोरी किए उसके मन में भी वही चीजें डेवलप होंगी। दूसरा वाला बहुत सुखी होगा, शांत होगा, क्यों, क्यों, वो अपना कर्म करके आया है। कितना अंतर है दोनों में देखिए। तो हमें उस अंदर बैठा हुआ जो है उसकी आवाज सुननी चाहिए, वो क्या चाहता है, वो कैसे, उसने मुझे जो कहा है, निमित्त बनाया है, मैं 100% देके करूं और बस अपने अंदर वाले भगवान को देखूं, बाकी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ और नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हर समय उसको याद करें, हर समय उसको सिमरण करें, हर समय उसको स्मरण करें, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। बाद में भोजराज ने 4 महीने बाद ही कहा था तुम मेरे गुरु हो, और मीरा ने जो जो उन्हें बताया उन्होंने वो किया, उनके सारे संशय मिटे और उनके उस मूर्ति से, उस विग्रह से उनको उनके दर्शन हुए, उनको भी आत्म साक्षात्कार हुआ। तो कहते हैं एक गुरु अच्छा मिल जाए, घर परिवार में कोई एक अच्छा मिल जाए, उसकी बातों को आत्मसात कर लें, उसके ज्ञान को कर लें, तो आप भी पहुंच जाएंगे, जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाएंगे। छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन इसको तो हम लोग, अब तो इसमें ध्यान वाली बात नहीं है, अब तो इसमें योग वाली बात नहीं है, आस्था और विश्वास वाली बात है। कई चीजों में तो हम विश्वास करते हैं ना, भोजराज ने भी कहा तुम कह रही हो कि तुमने इसमें कृष्ण के दर्शन किए, तुम्हारे लिए ये कृष्ण भगवान है, ये विग्रह नहीं है, मैं कैसे मान लूं। तब मीरा ने यही कहा कि कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो श्रद्धा और विश्वास से ही, आस्था और विश्वास के बिना हमें करना ही होता है, कोई और कारण होता ही नहीं है। कहता मैं तो नहीं करता, शुरू की बात है। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ तुम्हारे पिता कौन है, उन्होंने कहा सांगा, कैसे पिता, कैसे मालूम कि वो तुम्हारे ही पिता है, तुम्हारे पिता है कैसे मालूम, क्या प्रमाण है। जब भोजराज ने मीरा से कहा कि मुझे प्रमाण दो कि ये जीवंत ईश्वर हैं कृष्ण के, उन्होंने कहा क्या तुम मुझे प्रमाण दे सकते हो कि सांगा ही तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया कि ये तुम्हारे पिता हैं, तो तुमने विश्वास कर लिया, तुमने मान लिया कि मेरे पिता हैं।
यहाँ तर्क वितर्क की गुंजाइश ही नहीं है। अब कोई पुत्र माँ से कहेगा जाके कि मुझे प्रमाण दो कि ये मेरे पिता हैं, तुम्हारे पति पति तुम्हारे हैं लेकिन मेरे पिता हैं, इसका प्रमाण दो। हमें आस्था और विश्वास के बिना जीवन नहीं चल सकता है। तर्क हर जगह नहीं चलता है, बुद्धि हर जगह नहीं लगानी पड़ती है। तभी कहते हैं कि बाहर जो कार्य करो घर से बाहर कर्म क्षेत्र में, वहां बुद्धि से काम करो और घर आके अपने हृदय से काम करो। घर आते ही दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही उस बुद्धि को उस तर्क को सबको जेब में रख लो और हृदय से आओ घर के अंदर, उनको हृदय से मिलो। हृदय तो क्या प्रेम से परिपूर्ण है ना, उस प्रेम से मिलो अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता से, अपने पिता से। वहां जो भी है प्रेममय हो जाओ, वहां बुद्धि मत लगाओ, ऑफिस में लगाओ, यहां प्रेममय हो जाओ। उस दिन राजा भोजराज ने कहा, आज से मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूं, तुमने मेरे तमाम संशय मिटा दिए और अब तुम मुझे बताओ कि मैं इस मार्ग पर कैसे आगे चलूंगा। तब मीरा ने उनको ज्ञान दिया। ये बातें बहुत कम लोगों को पता होंगी, जिन्होंने उनका आत्मचरित्र पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, जो क्लास में जो मीरा का जो चैप्टर है उसमें ये सब बातें नहीं है। इतना दुख दुख होने के बाद भी वो योगिनी थी, वो भक्ति पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, योग की पराकाष्ठा। तब उसको आत्म साक्षात्कार हुआ, तब उसको भगवान के दर्शन हुए। ये उपासना, ये पूजा, ये पाठ, इस सबसे नहीं होता है दर्शन। ये सब हमारे उस मैल को काटने के साधन है। उपासना हमारे मन में, हमारे आत्मा के ऊपर जो मैल की परतें चढ़ी हुई हैं, उन मैल को काटती हैं, उन परतों को काटती हैं। उसके बाद हमें कोई एक तो निष्ठा लेनी पड़ती है, जुनून लाना पड़ता है, लगन लानी पड़ती है, 100% पुरुषार्थ करना होता है, तब हम उसके दर्शन कर सकते हैं। कहीं बाहर है ही नहीं है तो हमारे सामने ही तो है। और जब हम ये कर लेते और धूल हटी, दर्शन तो हो गए, चेहरा तो दिख गया, कहाँ जाना है, वो जो हमारे अंदर बैठा है, वो धूल पड़ी है, उसके लिए ये सब जितने भी चीज़ें हैं सब उसी के लिए हैं। कथा, कहानियाँ, प्रवचन, पूजा, पाठ, ये ज्ञान यान सब उसी के लिए हैं। और धूल हटी, जरा सी पोछी, चेहरा दिखा साफ, काई हटी तालाब में, दिखा प्रतिबिंब अपना, आप ही हो उसके अंश नहीं, आप ही हो वो। आत्म साक्षात्कार करना है। प्रभु जी अब समाप्त करते हैं उस अंतिम बात से कि जब वो सहायका विष का प्याला लेके गई मीरा के, और मीरा ने वो कृष्ण को अर्पित कर दिया, और अर्पित करने के बाद जैसे ही उसने विश्वास करके अपने महाराज पर विश्वास करके विक्रमादित्य पर उसने उस पान करने वाली सोई वो उदय मीरा गई। इसीलिए मैं वहां गया था कि जब बोध हो जाए और हम अपनी गलती को मान लें, स्वीकार कर लें, हमें स्वीकार करना चाहिए, और जब हम स्वीकार कर लें तो प्रायश्चित कर लें, प्रायश्चित कर लें तो हम तमाम पाप कर्म के से क्षय हो जाते हैं। और यही हमें करना है। तो प्रभु जी जैसे ही वो उसकी ननद दौड़ कर आई, सब भीग गए कपड़े, पीछे से भी भीग गए, आज भी आनंद है देखो जल का। तो जब वो आई दौड़ के तो उसने कहा, भाभी शाह, भाभी शाह रुक जाओ। मीरा अपने कक्ष में बैठी हुई बिस्कुट पान करने जा ही रही थी। उसने कहा, रुक जाओ, उसे क्या हुआ? उसने, भाई शाह ने इसमें जो आप पी रहे हो इसमें जहर है, इसमें विष है, उसने आपको मारने के लिए भेजा है। और मैंने अब तक जो किया, अपने भाई का साथ दिया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे अपराध बोध हो रहा है। चरणों में गिर गई मीरा, मीरा की। उसने कहा, मैंने जो भी कुछ किया भाई के कहने पर किया, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं, मुझे क्षमा कर दें। अब ये कह रही थी मीरा से, लेकिन वो कान्हा भी सुन रहा था, वो जो कन्हैया बैठा हुआ था ना वो सुन रहा था, वो भाव उस तक भी जा रहे थे कि जब आप अपने जो आपको लगता है पाप कर्म हुए, जो किसका प्रायश्चित करने की स्थिति में आ जाओ, अपने आप को हल्का कर लो, समर्पित कर दो, जो हुआ सो हुआ, जाने अनजाने हुआ, अब मैं नहीं चाहता हूँ, आगे से संकल्प करता हूँ कि मैं आगे से नहीं करूँगा। वही उसे कक्ष में हुआ,
जब वो कहा कि मैं ये देने नहीं जाऊंगी प्याला, और वो अपने कक्ष में चली गई, तो उसको बोध हुआ तुमने अपने भाई के साथ ऐसे ऐसे किया, देखो तुम्हारा भाई कैसा है, उसकी जान लेना चाहता है, तुम्हें भी पता है वो गलत नहीं है। तो केवल सोचने भर से नहीं होते हैं प्रायश्चित, कर्म करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो दौड़ी वहां से, उसने कहा एक कर्म तो मैं अच्छा कर लूं, दौड़ के वो चरणों में गिर गई, उसने कहा मत पियो। अब मीरा का देखिए, ये तो था उसका विश्वास, अब मीरा का विश्वास देखिए। मीरा ने कहा मैं मानती हूं कि तुम जो भी कह रहे हो वो सत्य है, मैं तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास कर रही हूं कि तुमने जो कहा वो सत्य है, इसमें विष है और तुम्हें तुम्हारे भाई ने बताया, लेकिन सत्य ये भी है अगर इसमें विष होता तो ये मैं अपने कान्हा को अर्पण कर चुकी हूं, देखो उनको कुछ नहीं हुआ, देखो वो ऐसे ही कैसे बैठे हुए हैं। अगर ये सत्य है तुम्हारी बात में तो ये भी उतना ही सत्य है कि देखो मेरे कान्हा को मैंने ये पिलाया भी, अर्पित किया, उनको कुछ नहीं हुआ, तो तुमने तो सुना है, मैं तो देख रही हूं, तुम्हें तो तुम्हें भाई ने कहा कि मैं विष मिला के दे रहा हूं, वो मेरी जान लेना चाहते हैं, मेरे प्राण लेना चाहते हैं, लेकिन देखो सत्य ये है, ये सामने दिख रहे हैं कि मैंने इनको पिलाया और तुम भी अपनी आंखों से देखो, मैं भी अपनी आंखों से देख रही हूं, अब अगर मैं इसको नहीं पीऊंगी तो मेरा इन पर से विश्वास, एक सत्य को मानना पड़ेगा जो सत्य दिख भी रहा है, और जिस सत्य को दिख भी रहा है और मैं मान रही हूं, और एक सत्य कहा हुआ तीसरी तरफ से आया है, तो मैं किसको मानूं, मेरे लिए वो भी सत्य है, मेरे लिए ये भी सत्य है, लेकिन इसको मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, इसलिए ये सत्य मेरे लिए है, इसलिए मैं प्रसाद को ग्रहण करूंगी। और मीरा ने उसके सामने ही उसको पी लिया, कुछ नहीं हुआ, वो विष भगवान के पास जाके अमृत बन गया। आस्था और विश्वास हो, अपने हर कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो, अच्छे बुरे, तो उसके जो बुरे कर्म हैं वो ईश्वर उसको अपने उसमें ले लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, भले ही बाद में तुम्हें प्रायश्चित करने के लिए भेजें या इसी जन्म में भेजें, लेकिन अमृत बन गया, प्रभु ने उस विष को पान कर लिया, अमृत बन गया, समुद्र मंथन में निकला था ना विष, कौन पान करेगा, शिव ने उसको पान कर लिया, उनके लिए वो अमृत बन गया, चले गए वो शांति के लिए हिमालय में, कैलाश में जाके बैठ गए, कुछ नहीं हुआ उनको, और मीरा को भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब मीरा के मन में ये आया, बात तो मेरी ननद की भी सत्य है, इसमें विष था और मेरे कारण मेरे प्रभु ने विष पान किया, मैं तो कितना भी दुख सह सकता हूँ, सह लेती हूँ, सह सकती हूँ, लेकिन मैं अपने कान्हा को दुख नहीं दे सकती, वो मेरी वजह से दुखी हो, उन्होंने मेरी वजह से विषपान किया है, उनको कष्ट हो रहा होगा। रोई मीरा रात भर रोई कि मेरी वजह से प्रभु को कष्ट हुआ है, जीवन में संकल्प ले लें कि आपकी वजह से किसी को कष्ट ना हो, आप कोई भी कर्म करें, कुछ भी करें, प्रभु को माने ना माने, लेकिन जो कर्म करें, पुरुषार्थ करें, उसमें देख लें कि उसमें किसी दूसरे को कष्ट ना हो, किसी की आत्मा ना दुखे। मीरा रात भर रोई, सुबह उसने निर्णय लिया अब मुझे छोड़ देना चाहिए, अब मुझे ये स्थान छोड़ देना चाहिए, भले ही मैं अपनी व्याहता पति की होकर यहाँ आई, भले ही मेरे पति ने यहाँ शरीर छोड़ा हो, लेकिन मेरे आराध्य को मेरी वजह से जो विषपान करना पड़ा, इसलिए मैं चली। और दूसरे ही दिन मीरा ने अपनी सहायिका को लेके, मिथुना नाम था उसका शायद, और कृष्ण की अपनी वो विग्रह को, अपने ठाकुर जी को लेके, और मीरा जी चली गई वहां से वृंदावन, छोड़ दिया उन्होंने स्थान। मेरे कारण अगर किसी को कष्ट हो रहा है, मेरी वजह से किसी को कष्ट हो रहा है, अपने कर्म सब ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, आप किसी को दुख मत दीजिए, लेकिन किसी के दुख का कारण अगर आप बन रहे हैं, बेशक आपका उसमें कोई, तो भी आप
उन स्थितियों से बाहर निकल आइए। शायद प्रभु ने आपके लिए कोई और रास्ता सोच रखा हो। बेशक रास्ता कंट का कीर्ण हो, दूसरा बेशक आगे और दुख दिख रहे हों, लेकिन आप यहाँ बैठ के किसी के दुख का कारण बन रहे हैं और आपकी वजह से प्रभु को दुख उठाना पड़ रहा है, तो रास्ता छोड़ दीजिए। और देखिए, मीरा ने छोड़ा वृंदावन तो उनको द्वारका मिला, उनको साक्षात धाम में जो मिली वहीं उनका शरीर पूरा हुआ। और मीरा के जाने के बाद, छोड़ने के बाद, उनका क्या मायका, क्या ससुराल, सब ऐसे होता चला गया। बिल्कुल स्थितियां ऐसी हो गई। मीरा तो द्वारका पहुंच गई, तब वहां के राजपुरोहित ने राजा से कहा, ये जो कुछ हो रहा है, एक के बाद एक लोगों का शरीर जा रहा है, दूसरे लोगों का कब्जा हो रहा है, दुर्भिक्ष मचा हुआ है, खजाना खाली हो गया है, ये उस पुण्य आत्मा की वजह से है। किसी परिवार में, किसी समाज में, किसी देश में जो पुण्य आत्माएं होती हैं, संत महात्मा होते हैं, उनके पुण्य कर्मों से वहां के कई पाप क्षय हो जाते हैं, दुर्भिक्ष क्षय हो जाता है, विपरीत स्थितियां क्षय हो जाती हैं। तब उसने कहा, क्या करें? उसने कहा, मैं जा रहा हूं उनको लेने के लिए वापस। और वापस लेने के लिए वो पहुंचे द्वारका। राजपुरोहित उनके चरणों में मीरा के अपना सिर रख दिया कि मैं तुम्हारा राजपुरोहित हूं, तुम्हारा बुजुर्ग हूं, मेरी प्रार्थना है कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे मायके वाले भी चाहते हैं तुम वापस आ जाओ, यहाँ भी महाराज अपने प्रायश्चित करना चाहते हैं तुम वापस आ जाओ, किसी तरह वापस चलो। तब तक तो मीरा को बोध हो चुका था। मीरा ने कहा, अच्छा रुको, एक दो दिन विचार कर लेते हैं। और मीरा ने जिस दिन ठाकुर जी के पास बैठकर विचार किया कि प्रभु, ये जो बैठा है ना, उससे वो तो विग्रह है लेकिन है तो अंदर, पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु ने कहा, बस आ जाओ, हो गया तुम्हारा पार्ट पूरा, नाटक पूरा हो गया, आ जाओ। मीरा वहां बैठ के चिंतन कर रही, राजपुरोहित दूर बैठ के देख रहे, और मीरा खड़ी हुई, हाथ जोड़ा और उस विग्रह में ही समाहित हो गई, जीवंत समाधि। सब दौड़े, लोग दौड़े दौड़े, और ये फिर कथा कहानी है कि लोगों ने उनका वो पकड़ लिया पटका। ये जो द्वारकाधीश का मंदिर है ना, ये मंदिर नहीं है, पास में एक दूसरा स्थान है जहाँ मीरा रहती थी, वहां पर ये घटना हुई जो कहा है कथा कहानियों में। ये है प्रभु जी मीरा का चरित्र। मीरा के चरित्र से हम कितनी बातें सीख सकते हैं, इन सब बातों से हम कितनी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को सोच अपना सकते हैं, अपने जीवन में आचरण में ला सकते हैं। अब यहाँ ध्यान नहीं है, योग नहीं है, कोई वैसा सत्संग नहीं है, ये तो बातों बातों में इतनी सारी बातें हो गई। तो प्रभु जी आनंद लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो प्रभु जी भक्ति ज्ञान कर्म सब वहीं तक जाते हैं, पर नहीं तो सीधी सरल सी बात है कि वो बताया था ना कि कथा कहानियों में जो जिस रूप में उसका तत्व ले लेता है, कुछ नहीं है तो उस अज्ञानी की तरह विश्वास करके बस ले लीजिए, बेड़ा पार है, न बुद्धि लगाने की जरूरत है, न कुछ लगाने की जरूरत है। तो चार लाइनें सुन लीजिए। भक्ति ज्ञान कर्म योग सब, भक्ति ज्ञान कर्म योग सब, परम तत्व की झलक दिखाते, भक्ति ज्ञान कर्म योग सब, परम तत्व की झलक दिखाते, और स्वयं बोध ही आत्म बोध है, स्वयं बोध ही आत्म बोध है, जीव स्वयं चल कर जाते। गुरु तो केवल मार्ग बता देता है, चलना तो हमें खुद पड़ता है।
अंधेरा है, अंधेरा में है, प्रकाश चाहिए, किसी ने कहा ऐसे ऐसे जाओ, रास्ता भी है, प्रकाश भी है। अब हमें पुरुषार्थ करके जाना पड़ेगा। हम कहें गुरु को भी पकड़ लें तो बस यहीं से मिल जाएगा प्रकाश और रास्ता, पूरा जीवन भटकते रहोगे। कई लोग होते हैं, मैंने देखा है, अच्छा गुरु मिल जाए, कुछ लोगों से सुन लें बहुत अच्छा गुरु है, बस चरण पकड़ लेते, गुरु मुझे तो अपने चरणों में स्थान दे दी, मैं तो बस आपके सानिध्य में ही रहना चाहता हूँ, मैं तो आपके ही उसमें रहना चाहता हूँ बस। अरे गुरु ने रास्ता बताया है, पुरुषार्थ खुद करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तब लक्ष्य को प्राप्त करोगे। गुरु को पकड़ कर बैठ जाओगे तो वहीं अटके रह जाओगे, यात्रा आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। भक्ति ज्ञान कर्म योग सब परम तत्व की झलक दिखाते, और स्वयं बोध ही आत्म बोध है, जीव स्वयं ही चल कर जाते, साहस करना आगे बढ़ना, साहस करना आगे बढ़ना, अवरोधों से मत डर जाना। साहस करना आगे बढ़ना, अवरोधों से मत डर जाना, खुद की हो पहचान तुम्हें जब याद मुझे तुम तब करना। खुद को जानना है, पहचानना है, और खुद की हो पहचान तुम्हें जब याद मुझे तुम तब करना, याद तुम्हें आएगी मेरी जब मैं दूर चला जाऊंगा, पास बुलाओगे तुम अपने पर न कभी मैं आ पाऊंगा, तब मेरे इन संवादों को, तब मेरे इन बोलों को तुम जीवन में अपना लेना, यदि ऐसा कर पाओ तो याद मुझे तुम तब करना। प्रभु जी आनंद है, जो भी ज्ञान, जो भी पढ़ें, जो भी गुरु से ज्ञान मिले, जो भी चिंतन करें, जो भी मनन करें, उसको आत्मसात करें, उसको जीने की कोशिश करें। अभी बहुत से प्रश्न आए हैं, ध्यान साधना के समय लोगों के अंदर परिवर्तन होता है, कंपन होता है, कुछ असाधारण होता है। मीरा को भी तो वही हुआ था, मीरा की जब कुंडलनी जागरण हुई ना, कंपन हो गया, भय भय लगा, शरीर में थरथरी हो गई, मीरा डर गई, लेकिन उसे अपनी सुध नहीं थी ना शरीर की, गिर पड़ी, बेसुध हो गई। अभी किसी को ध्यान में, साधना में, चिंतन में कभी ऐसा कुछ हो, उठे नहीं, बैठे रहें, महसूस हो रहा है तो अपने अंदर आ जाएं, यहां आ जाएं, यहां वो जो बताया था ना, उसमें स्थित हो जाएं, प्रकाश को जानने की कोशिश करें। भय हो रहा है शरीर को, डर हो रहा है, डर हो रहा है, संदेह शरीर सुन हो गया है, लेकिन अगर कोई अनुभूति हो रही है, अपने आप को स्थिर करके और दृढ़ता से यहाँ विराजित हो जाएं, अपने आप की सारी शक्तियों को यहाँ समेट कर ले आएं, जो हो रहा है होने दो, जो घट रहा है घटने दो, उठ नहीं जाएं, घबराहट हो रही है उठ गए, कुछ हो रहा है उठ गए, कुछ हलचल हो रही है उठ गए, प्रकाश प्रकाश सा लग रहा है डर गए, नहीं, यही तो परीक्षा है, यही तो टेस्ट है, अंदर चले जाओ, बाहर कुछ हो रहा हो अंदर चले जाओ। प्रभु जी बहुत आनंद रहा आपसे, जो भी लोग आज जुड़े रहे, दूर है कैमरा इसलिए मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो लोग भी जुड़े रहे आनंद है। हाँ दो बातें कह दूं कि वो फेस मेरे YouTube पर जो ये Facebook के हैं ना, ये मैं अपलोड कर देता हूँ कि जो लोग नहीं सुन पाते हैं, जिन्होंने नहीं सुने हैं कभी वो सुने, दूसरे वो सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, इसलिए अभी जो किए हैं 5-6 वो वही पुराने वाले हैं, उसको लेके वो ना कहें कि कुछ नया नहीं आया, नया आएगा 2 दिन बाद अपनी जीवन यात्रा के संस्मरण आप तक पहुँचेंगे, आनंद में रहें। मुझे नहीं पता, देखिए प्रभु जी कोई स्क्रिप्ट तो होती नहीं है, है ना, जो जो मन में आ जाए, सोचा था बातें कर लेंगे, बातें कर ली, बातों बातों में मीरा जी आ गई,
कश्मीर आ गया, तो और आनंद आ गया। मैंने भी कुछ सीख लिया, मीरा ने जो भोजराज को बताया वो मैंने भी कुछ सीख लिया, मीरा ने जो ज्ञान मिथुना को दिया थोड़ा सा मैंने भी सीख लिया, मीरा ने जो अपनी ननद को बताया तो मैंने भी थोड़ा सीख लिया। हम सब सीखते हैं एक दूसरे से, आज के इस कथानक से भी हमने सीख लिया, लेकिन खाली सुनने से कोई लाभ नहीं। आप आ जाएं, मैं आ जाऊं, मैं आपसे बातें करूं, आपकी जिज्ञासाएं आ जाएं, उसके इससे कुछ होना हवाना नहीं है। करना है, करने से ही होता है। स्वामी जी कहते हैं ना, योग जब बताते हैं करने से ही होता है, करें, पुरुषार्थ करें, कर्म योगी बने, अपने जो भी कर्म कर रहे हैं सब कर्म करते हुए उसका चिंतन करें, उसका स्मरण करें। याद तुम्हें आएगी मेरी जब मैं दूर चला जाऊंगा, पास बुलाओगे तुम अपने पर न कभी मैं आ पाऊंगा, तब मेरे इन बोलों को तुम, तब मेरे संवादों को तुम जीवन में अपना लेना, यदि ऐसा कर पाओ तो याद मुझे तुम तब करना। सबसे ऊपर उठना है प्रभु जी, अपने अंदर जाना है, अपने अंदर मत ईश्वर को स्मरण करो, उसको किसी भाव में भज लो। अमंदर कुछ तो है, कुछ तो सत्ता है, कुछ तो है जहां हमारा पुरुषार्थ होने के बाद भी अनुकूल परिणाम नहीं आते, कुछ तो है, उसको मान लो, उसको भज लो, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, देवी हो, हनुमान हो, अल्लाह हो, ईसा हो, महावीर हो, नानक हो, जो भी हो, बस किसी एक को पकड़ लो, बस सब रास्ते वहीं जाते हैं, एक को पकड़ना है, बस उसको मजबूती से पकड़ लो, यही है मेरा। लेकिन बाकी सब में भी उसको ही देखो, सबका सम्मान करना है। ये देखो नदी गंगा, यहां से लेके गंगा सागर तक जाएगी, कितनी सारी नदियां इसमें मिलती हैं, कोई यमुनोत्री से आती है, कोई कहीं से आ रही है, कोई कहीं से आ रही है, कितनी सारी नदियां अलग अलग जगहों से, अलग अलग नामों से, अलग अलग उससे आस्था और विश्वास से आ रही हैं, और सब आखिर में उस सागर में विलीन हो जाती है। बड़ी बड़ी नदियां तमाम छोटी छोटी नदियों को आत्मसात करते हुए उसमें विलीन हो जाती है। रास्ता सब हाईवे पे जाते हैं, कोई भी पंत हो, कोई भी संत हो, कोई भी मार्ग हो, कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, ये सब अलग अलग तरह से आ रही नदियां हैं, आ तो सब उसी रही हैं, सत्य से आ रही हैं, मूल में सबके सत्य है, सब पहाड़ियों से निकल रही हैं, देखिए सरोवर में आ रही हैं, सरोवर से निकल रही हैं, थोड़ी थोड़ी दूषित होती जाती हैं, ये भी होता है, वहां से आ रही हैं, स्वच्छ होके आ रही हैं, सहज होके आ रही हैं, सरल होके आ रही हैं, अपने व्यक्ति बाद में दूषित हो जाती हैं, अब दूषित हो जाती हैं तो जो भी उसके संपर्क में होता है वो भी दूषित हो जाता है। तो हमें इसका ध्यान रखना है, हमें दूषित नहीं होना है। हम जिस भी नदी से जुड़े हैं, हमारे क्षेत्र में जो भी नदी बह रही है, हमें उसके मूल को देखना है, कहाँ से आई है, यमुना से आई है, गौमुख से आई है, गोदावरी वहां से आई है, अमरकंटक से नर्मदा आई है, चंबल आई है, जहां जहां से नदियां, ब्रह्मपुत्र आई है, सिंध आई है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आई है, कहां से आई है, परशुराम कुंड अरुणाचल में प्रवेश किया है, सिंध कहां से आई है, लद्दाख उस तरफ जाइए, तो ये उसके मूल स्रोत में जाएंगे, अच्छा ही अच्छा दिखेगा। बाद में जो उसका रूप बिगड़ा है ना, ये तो हम लोगों ने कर दिया है, गुरुओं ने, कुछ गुरुओं ने भी कर दिया है, संत महात्माओं ने भी कर दिया है, जो चाहते हैं कद बढ़ जाता है, जिनका माया टेस्ट लेती है, माया में फेल हो जाते हैं, कद को साधना से नहीं, माया से अपने कद को बढ़ाने लगते हैं। हमें सजग रहना है, हमें सावधान रहना है। आपके जो भी धर्म हो, जो भी पंथ हो, जो भी गुरु हो, सबके मूल में जाएं कि मेरे सदगुरु हैं, मैंने इनसे दीक्षा ली है, इनके सदगुरु कौन थे, वो तो परम ज्ञानी थे, परम चेतन थे, इसलिए मुझे शरणागत रहना है।
हमारे क्षेत्र में जो भी नदियां हैं, ये हमारे पंत हैं, सबको महासागर में विलीन होना है। हाईवे लक्ष्य परम पिता परमात्मा में विलीन होना है। हमें भी इनके साथ, ये हमें भी तो ले जाएंगी ना, हम भी इन्हीं के साथ वहां विलीन होना है हमें। लेकिन जागरूक रहना है, कॉन्शियस रहना है। जहां संशय हो, जहां लगे गंदगी है, छोड़ दो उसको, मूल का देख लो, मूल क्या है उसका ज्ञान कर लो, उसका ध्यान कर लो, उसको अपने अंदर बैठा लो। अपने अंदर जो बैठा है शिव, गुरु का तत्व क्या है, शिव, उस तत्व को बैठा लो तो फिर किसी से निराशा नहीं होगी। गंदगी को फिर आप साफ कर लोगे। अभी देखो नदियां अपनी गंदगी साफ कर रही है ना, प्रकृति अपने आप साफ कर लेती है। जब उसे अंदर बैठा लोगे तो हमारे अंदर की मशीनरी जो है ना, अपने आप सब सफाई कर देगी। आप शुद्ध हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे। ठीक है प्रभु जी, देखो मैं तो बैठा रहता हूँ, कुछ ना कुछ बातें करता रहता हूँ आपसे, करता हूँ। जब मैं इसको दोबारा सुनता हूँ ना, तो मैं सीखता हूँ, अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करता हूँ। आप सबका बहुत प्रेम मिला मेरे इस जीवन में, यहाँ तक आने में सबका थोड़ा 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 सहयोग है। मेरे पूर्वाश्रम का है, भगवती का तो इतना सारा है बिना उसके तो ये संभव ही नहीं था। तो सबका सबका है, भगवती का इतना है, और ये सब के पीछे कौन है मूल में, परम पिता परमात्मा। जब इन सब में कुछ दिखाई देने लगे, जब सब में कुछ ना कुछ दोष दिखाई देने लगे कहीं ना कहीं, तो उसको दोष मत दो, उसके मूल में चले जाओ। उसका मूल क्या है, परम पिता परमात्मा। तुम्हारा प्रारब्ध रहा होगा जो तुम्हें ऐसा जन्म मिला, ऐसे माता पिता मिले, ऐसे भाई बहन मिले, ऐसे पत्नी मिले, ऐसे पुत्र मिले, पुत्री मिली, भाई बहन मिले, पड़ोस मिला, समाज मिला, देश मिला, दुनिया मिला। मूल तो निर्मल है, सहज है, सरल है। कुछ हमारे ही कर्म रहे होंगे, कुछ हमारे ही, भगवान ने कहा है ना, वो बहुत अच्छी बात थी, उससे मैं भी सबक लूंगा कि जब कार्मिक अकाउंट होता है तो प्रभु कहता है कि ये तो इसके इतने से दुख हैं, इतने सारे अच्छे पुण्य कर्म हैं, इतने पाप कर्म हैं, इसको आगे लगा दो, अभी जाओ इसको और भोग लो। लेकिन आस्था विश्वास बनाए, भक्त है ना आपका, तो वो कहते मेरा भक्त है इसको किसी तरह काट ही लेगा, उसके बाद पुण्य पुण्य हो जाएगा, शुद्ध बुद्ध हो जाएगा। और जो पाप कर्म से आच्छादित होता है, इतना सारा पाप कर्म, इतना सा पुण्य जब कार्मिक अकाउंट होता है, तो वो कहते हैं ये पुण्य इसका आगे कर दो, मौका दो इसको। हमें सजा देना काम नहीं है भगवान का, सुधारना काम है। किसी ने कहा था कि जब पाप पुण्य की परिभाषा है तो गलत कर्म करो तुरंत उसे परिणाम दे दो, अच्छा करे उसे तुरंत परिणाम दे दो, गलत करे उसको सजा दे दो, अच्छा करे उसे पुरस्कार दे दो। तो प्रभु का काम ये थोड़ी है सजा देना पुरस्कार देना, प्रभु का कार्य तो उस लक्ष्य तक पहुंचाना है, सुधारना है। वो कहते तुमने ही कर्म किए हैं तो सुधर जाओ, सुधरने का मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। इसीलिए पाप कर्म इतने, लेकिन पुण्य कर्म इतने, लेकिन वही भेजते हैं सब अच्छा अच्छा पाप कर्म करते हुए, पुण्य 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 अच्छा अच्छा, फिर भी नहीं, फिर भी नहीं, फिर भी नहीं। तब प्रभु कहते हैं अब तुम्हारी कोई वो नहीं है, चलो फिर टांग देते हैं। कभी बताऊंगा वो क्या, वो लोक कौन सा है, वो बताऊंगा, जहां हम केवल और केवल रोते रहते हैं, प्रायश्चित ही प्रायश्चित करते हैं, प्रभु आपने तो बहुत मौका दिया, मैं सुधर नहीं पाया, एक और दे दो, एक और दे दो। कितने वर्षों तक हम यही करते रहते हैं, फिर भी प्रभु कहते हैं ठीक है अब तुमने बहुत रो लिया, तुम्हारे आंसू सूख गए ना, चलो तुम वापस सुरंग में जाओ, तुम्हें और मौका दे रहे हैं। तो उस परम पिता परमात्मा तो सुधारना है उसको, ना दंड देना है, ना पुरस्कार देना है, और ना ही दखल देना है, किसी का भी जो भी उसमें दखल नहीं देता है। अब वो हमारे अंदर बैठा है, तो सेवक बन जाओ और स्वामी को अपने अंदर बैठो, देखो स्वामी क्या चाहता है, जो स्वामी करे
कहे वो सेवा करते जाओ, बस बेड़ा पार है, आनंद है। ठीक है प्रभु जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मौसम बदल गया, देखिए अब बारिश के आसार हैं, अब जो हो सो हो, अपना तो काम हो गया, अपना तो आपसे मिलना था हो गया, आभासी दर्शन हो गए। ठीक है प्रभु जी। हरिओम हरिओम हरिओम। पानी भी बढ़ गया है, छप छप हो रहा है, छप छप देखो, छप छप हो रहा है। हे नाथ नारायण वासुदेवा।